नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूट्यूब चैनल पर, और आज आपके सामने मैं बताने वाला हूँ, एक्चुअली बताने वाला नहीं, दिखाने वाला हूँ अपने इस मैं एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ। ये मैं हरिद्वार आया था तो मैंने सोचा अपनी वीडियो शेयर कर देते आपके साथ, तो मैं आज आपके सामने वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो आप देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जो एक्चुअली घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और काफ़ी सारे इंजॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आरती जैसे आई थिंक खत्म हुआ है, बट बहुत ज़्यादा क्राउड है, वो आरती की वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो आप यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा देख रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एक्चुअली अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी जो गंगा जी है वो काफ़ी क्लीन है, लोगों का क्राउड यहाँ पे, लोगों का क्राउड है, क्राउड होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। ये देखिए ये काफ़ी बारिश भी हो रही है हमारे पास, और ये देखिए कितना ज़्यादा फ्लो है, फ्लो होने की वजह से काफ़ी तेज फ्लो हो रहा है, फ्लो होने की वजह से प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है। बस देखिए ये पानी देखिए कितना फ्लो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्राउड क्राउड दे सकते हैं, यहाँ पे मंदिर भी है, सही प्लेस लगता है। तो आप कभी भी हरिद्वार आए तो यहाँ पे जरूर विजिट करें, सारे लोग गंगा शूट करा रहे हैं यहाँ पे, देखिए गंगा का फ्लो, देखिए यहाँ पे लोग गंगा आरती कर रहे हैं, फ्लो है पानी में, देख रहे हैं पानी काफ़ी साफ है, पानी भी बहुत साफ है, और पानी ना साफ होने की वजह से एक्चुअली भी लोग कर रहे हैं ना गंगा को, पर्सनली हो चुकी नहीं होगा पता नहीं, अब मुझे बहुत साफ लग रहा है। बट यहाँ पे लोग जो आते हैं कि पानी में गंदा करते हैं, हमें कैसे हमें करना चाहिए, कितना कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको कितना समझ सकते हैं, ये सब मेरी ओपिनियन है। तो आप स्टेच करके उसको पानी बहुत देता है, आप उसके पानी में जितनी सारी मछलियाँ हैं, एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम होता होगा, तो उसकी वजह से हमें लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। नीचे का सीन मैंने आपको दिखाया हूँ, नीचे का सीन काफ़ी सही लगता है, और नीचे का सीन भी मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी सही है। ये मेरे शूज़ देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये बारिश की वजह से ये भी ख़राब हो रहे हैं, बारिश काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, उसकी वजह से हमारे शूज़ भी मेरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। ये हम लोगों ने कुछ फोटोशूट कराए हुए थे, फोटोज़ भी आप देख लीजिए कितना प्यारा है, एक्चुअली यहाँ पे आए तो आप फोटोशूट करा सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली 30 रुपीज़ आती है, या 40 रुपीज़ फोटोज़ जो निकल जाते हैं ना मोबाइल की फोटोज़ की बात आगे आगे इससे निकालेंगे तो अलग है, 30 रुपीज़ लगता है, 2-4 फोटोज निकलवा सकते हैं, काफ़ी सही रहता है, निकलवाने का भी रीज़न भी है, क्योंकि आप कभी भी कोई एल्बम में या फिल्म्स में लगा के आप रखा सकते हैं, मोबाइल से कब मोबाइल में रखा रह जाता है। क्या होटल जिंदाबाद, होटल जिंदाबाद होटल बाहर पाएंगे पानी मिलता, बट आरओ का नहीं मिलता ना वहाँ पे, पानी अलग से। तो हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें घूम ली, अब होटल जा रहे हैं, अपने खाना भी हम लोगों ने डिनर भी कर लिया, लगभग 7:30 पे हम लोगों ने अपना डिनर भी कर लिया था, क्योंकि हम लोग बहुत ट्रैवल करके आए हुए हैं, थोड़े से थके हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो डिनर पहले ही कर लेते हैं, उसके बाद आराम से जाके रेस्ट करेंगे। तो ये हमारा देखिए होटल है, राज करके कुछ नाम था इसका, तो ये होटल से अंदर देखिए स्टेयर्स हैं, हमारे टेंट लोग हैं जो साथ में जा रहे हैं,
ये काफ़ी सुंदर होटल है, राज मंदिर करके इसका नाम है। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी क्यूट सा है होटल, बहुत साफ़ सुथरा है। आप कभी भी यहाँ पे होस्टल में ठहर सकते हैं। यहाँ पे लिफ्ट भी है बट मैंने लिफ्ट नहीं ट्राई किया क्योंकि मुझे थोड़े से सीढ़ियों से जाने का थोड़ा सा डाइजेशन के लिए भी सही रहता है, वैसे भी वॉकिंग भी हो जाती है तो मैंने थोड़े से सीढ़ियों से जाते हैं। सीढ़ियों का जाने का फ़ायदा भी होता है, अपना एक वॉक भी हो जाएगा और खाना भी सही हो जाएगा, सब कुछ लगभग सही हो जाएगा, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे स्टेयर्स हो गए हैं, एक फ्लोर ऊपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ऊपर से मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, उसके वजह से सब कुछ सही हो जाएगा बट ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे लोग अभी भी क्या होता है, काफ़ी देखिए काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग का भी काफ़ी सही है, ये देखिए नीचे साफ़ सुथरा है और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मुझे तो काफ़ी सही। इधर कुछ प्लांट्स भी रखे हुए हैं इंडोर, जैसे स्नेक प्लांट है, सिंगोनियम है, जो इंडोर चल जाएंगे। इंडोर ही इन लोग काफ़ी सही, बस थोड़े से ब्राइट लाइट रहेगा तो इंडोर काफ़ी सुंदर भी लगेंगे, अगर ये ज़्यादा माँ लगा रहे हैं तो ये काफ़ी सुंदर भी लगेंगे इंडोर। इंडोर रखने का एक बहुत बड़ा खूबसूरत भी होता है। ये देखिए हमारे अपने होटल्स में आ गए, मेरा होटल ऊपर में ही है। ये देखिए एक रूम, मैंने दो रूम लिया हुआ है, तो एक रूम ये है और एक रूम वाला आपको अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा रूम है। तो इधर हम लोगों का रूम है, देखिए इधर सब के जूते दिख रहे हैं। तो ये हम आए यहाँ पे थोड़े देर सोचे थोड़ा आराम कर लेते, बट आराम करने का टाइम होता नहीं है। तो ये देखिए हमारा होटल है, रूम है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।